आइए आपको ले चलते हैं आज की खास फटाफट खबरों की ओर। ब्रिटेन में शरण मिलने तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में रहेंगी। भारत सरकार ने सोमवार को उनकी सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रवास की इजाजत दे दी है। डेली सन ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस अवधि के दौरान हसीना को ब्रिटेन में शरण प्राप्त करने तक भारत सभी तरह की सहायता प्रदान करेगा। उनके ब्रिटेन में स्थानांतरण तक भारत में उनके प्रवास को केवल अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है। अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सोमवार को हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत के रास्ते लंदन जाने वाली हैं। डेली सन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि अभी तक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को राजनीतिक शरण दिए जाने के संबंध में ब्रिटेन सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। हसीना वर्तमान में ब्रिटेन में शरण की मांग कर रही हैं। उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी हैं, जो कि ब्रिटेन की नागरिक हैं। कांग्रेस विधायक विधानसभा में पूरी रात धरने पर बैठे रहे, तालियां बजाते हुए एक सुर में गाया गया भजन। सदन में मार्शन बुलाने पर कांग्रेस विधायक अचरज प्रकट कर रहे थे। विधायक मुकेश भाकर निलंबित होने के बाद एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद मार्शल ने विधायकों से धक्का मुक्की, क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने इस पर चर्चा की। सात महिलाएं विधायक भी पूरी रात बैठी रही धरने पर। कांग्रेस की सात विधायक महिलाएं पूरी रात धरने पर बैठी रहीं। कांग्रेस के महिला विधायक अनिता जाटव, शिखा मेल बराड़ा, इंदिरा मीना, रमीला खडिया, सुशीला रूडी, गीता बरवड़ और शिमला देवी धरने में शामिल रहीं। हिंडौन विधायक अनिता जाटव की टूटी चूड़ियां। राजस्थान विधानसभा में सोमवार 5 अगस्त को सदन में हंगामा हो गया। लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को स्पीकर ने निलंबित कर दिया। हंगामा शुरू हुआ तो स्पीकर ने मार्शल को बुला लिया। मार्शल और कांग्रेस विधायक भिड़ गए। इस दौरान हिंडौन विधायक अनिता जाटव की चूड़ियां टूट गई। विधायक हरिमोहन शर्मा, रामनिवास गावड़िया और घनश्याम सहित कई विधायक गिर गए। महिलाओं को प्रेग्नेंट करोड़ 25 लाख पाओ, मेवात के ठगों का ऑफर देखकर हिल गई पुलिस। सोशल मीडिया पर महिला को प्रेग्नेंट करने पर 25 लाख रुपए का ऑफर दिया जा रहा था। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर सिक्योरिटी के साथ ही पैसे जमा कर ठगी करते थे। पकड़े गए साइबर ठगों की मोबाइल की जांच के दौरान पाए गए विज्ञापन से ये खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एटीएम, फर्जी सिम और मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने चलाया एंटीवायरस अभियान। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर एंटीवायरस अभियान चला रखा है, जिसके तहत साइबर अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करते थे। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, फर्जी सिम, एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए तीनों युवकों से पूछताछ की गई। मोबाइल की जांच में पाया गया कि ये ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करते थे। लोगों के मोबाइल पर संपर्क कर महिलाओं को प्रेग्नेंट करने पर 25 लाख रुपए का ऑफर देते थे। बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा? बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहां सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को मिलता है। 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए। 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवारों को मिलने वाला 30% आरक्षण है। उनका तर्क है कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही और अयोग्य छात्रों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से में बढ़ गए हैं बाढ़ के हालात। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 अगस्त तक राज्य में मूसलाधार बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में मानसून में राहत भरी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। 5 जिलों में जारी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और नागौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ताजा अपडेट में जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 3 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी की आशंका जताई जा रही है। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, सीकर और सिरोही जिलों के लिए भी भारी बारिश की एडवाइजरी जारी की गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।